IBN 7 Horsefly. चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के भिन्न भिन्न मसलों के ऊपर क्या विचार थे? अमन जी तक चले जाओ। चुनाव से पहले भिन्न भिन्न मसलों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के क्या विचार थे और चुनाव के बाद में उन्हीं विषयों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से पलटी ली है और एक यू टर्न इश्यूज के बाद इश्यूज के ऊपर वो लेते चले आए। यानी चुनाव से पहले जनता को गुमराह करने के लिए, केवल वोट बटोरने के लिए बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े सपने दिखाए गए। और हैरानी की बात यह है कि पहले 6 महीने के अंदर ही उसको एकदम से बदल करके, पलट करके, यू टर्न लेकर के उन्होंने सरकार की असली मंशा क्या है, ऑपोजिशन में रहते हुए उन लोगों की असली मंशा, नियत क्या थी केवल सत्ता हथियाने की, उसके बारे में हमारी कोशिश है कि हम लोग इसकी जानकारी आपको दें। ये बुक अनवील करने से पहले मैं बुक अनवील कर देता हूं ताकि कॉपीज भी आप सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। एक मिनट बाद आप लोग कर लेना फिर। इसमें मैं एक दो बातें इसके अंदर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम लोग जो यू टर्न की भारतीय जनता पार्टी की तमाम अलग अलग समय के ऊपर पिछले 6 महीने में कैसे कैसे विषयों पर उन्होंने यू टर्न लिया है, जब इसका लेखा जोखा हम आपके सामने ला रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग समय के ऊपर जो वायदे किए, कांग्रेस पार्टी उन वायदों को का समर्थन करती है। हमारा केवल इसके बारे में ये कहना है कि हमारी ये कोशिश है कि हम लोग आप सब लोगों के माध्यम से देश की जनता को बताएं। और ये फैक्चुअल बुक है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो केवल उनकी स्टेटमेंट्स हैं, उनके ट्वीट्स हैं, न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स हैं। और बाद में अब जब सरकार बने हैं तो सरकार के समय पे उन लोगों की क्या स्टेटमेंट्स, क्या किस तरीके से वो लोगों ने अदला बदली करी है, पलट गए हैं, यू टर्न लिया है, उसके बारे में भी एक लेखा जोखा है। लेकिन बात चलिए हो गया। हाँ, अब ये किसी के पास में अगर दो दो आ गए तो वो भी एक एक दे दे आगे। इसमें मैं आप लोगों को से अनुरोध करूंगा कि कुछ ध्यान यहां पर अभी मैं कुछ बोलना चाहूंगा उस पर दें, क्योंकि हैरानी की बात यह है कि ये हम लोगों ने बुकलेट फ्राइडे को फाइनल करके प्रिंटिंग के लिए जब दी तो वो फ्राइडे और आज में 3 दिन में 3 नए यू टर्न्स और बीजेपी के सरकार के हो गए।
तो वो तीन नए यू टर्न जो बीजेपी के सरकार के इन तीन दिनों के अंदर हो गए हैं वो इस बुकलेट के अंदर हम कैप्चर नहीं कर पाए, उसके बारे में भी मैं अलग से आपको बोलना चाहूंगा। उसके भी हम आप लोगों को कोशिश करेंगे कि आप लोगों को उसके भी डॉक्यूमेंट्स हम लोग दें। लेकिन ये सबसे पहले मैं अपनी बुकलेट के अंदर जो पॉइंट्स दिए हैं उसके बारे में बोलने से पहले ये जो तीन नए यू टर्न भारतीय जनता पार्टी ने करे हैं इसके बारे में मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगा। मैं आप लोगों का ध्यान 23 जनवरी 2013 को उस समय के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी के बयान पे दिलाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा और कटक में जाकर के कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि द एंटायर कंट्री इज इंपेशेंट टू नो एज टू हाउ नेताजी डाइड एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, द मिस्ट्री बिहाइंड हिज डेथ शुड बी अनवील्ड बाय द सेंटर। ये इन्होंने 23 जनवरी 2014 को इनकी ये स्टेटमेंट आती है। और हैरानी की बात यह है कि 6 महीने भी नहीं गुजरते हैं आज के न्यूज़पेपर्स के अंदर, जब एक्टिविस्ट ने आरटीआई के एक्टिविस्ट ने जब आरटीआई के जरिए से राजनाथ सिंह जी के उस बयान के भरोसे पे जब जवाब मांगा तो 39 फाइलें 39 फाइल्स नेताजी के बारे में जो उनकी डेथ के सर्कमस्टेंसेस के बारे में है उसको देने से केंद्र सरकार ने मना कर दिया। तो आज हम लोग राजनाथ सिंह जी आपसे जानना चाहते हैं कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन पार्टी के जो कि अब देश के अंदर अपने आप बहुमत लेकर के आई है, अब आपका इसके बारे में क्या कहना है जबकि आपने जनवरी 2013 में चुनाव के बीच में चुनाव के प्रचार के समय एक तरीके से आपने जब देश के सामने केंद्र सरकार से इसकी जानकारी मांगी और आज आप खुद उसको मना कर रहे हैं, तो क्या आपको और भारतीय जनता पार्टी को माफी नहीं मांगनी चाहिए? आज कांग्रेस पार्टी राजनाथ सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी से यह पूछना चाहती है सबसे पहले। दूसरा यू टर्न एक और बहुत अजीब सा है। हम सब लोग जानते हैं, मैंने खुद पार्लियामेंट में मौजूद था, कई दिन पार्लियामेंट के इस तरीके से वेस्ट कर दिए जिस वक्त बीजेपी और लेफ्ट पार्टी दोनों के दोनों ने मिलकर के सिविल लायबिलिटीज फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 को जब हम लोग पास कर रहे थे तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने कई कई दिन तक के पार्लियामेंट नहीं चलने दिया और कांग्रेस पार्टी के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए और ये कहा हेलो किसकी बैटरी हेलो ये हेलो अब ये पीछे वाली आवाज भी अब ठीक है। पार्लियामेंट में 2010 में कई दिन तक पार्लियामेंट का सेशन केवल इसलिए नहीं चलने दिया कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर और उस समय की यूपीए सरकार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार आरोप लगाते रहे लेफ्ट के साथ मिलकर के कि वो अमेरिका के हाथ में खेल रहे हैं, अमेरिका को फायदा पहुंचाने चाह रहे हैं, जब सिविल न्यूक्लियर डैमेज के स्थिति के अंदर देनदारी किसकी होगी इसका सवाल उठाया जा रहा था। जो ये एक्ट पास हुआ है एक नेशनल डेली के फ्रंट पेज के ऊपर इसके बारे में ये छपा है कि इस एक्ट के अंदर वापस परिवर्तन किया जा रहा है। अभी इस एक्ट के तहत सिविल न्यूक्लियर डैमेज की स्थिति के अंदर देनदारी जो है वो प्रदायक की सप्लायर की होगी
और जाहिर बात है कि कुछ बड़े मुल्क इस बात से खफा नहीं है, खफा है कुछ बड़े मुल्क के अंदर काम करने वाले बड़े बड़े कॉरपोरेट्स और बड़ी इंडस्ट्रीज खफा हैं कि सप्लायर के ऊपर देनदारी क्यों, देनदारी ऑपरेटर के ऊपर होनी चाहिए अगर कभी भी न्यूक्लियर डैमेज होता है। और इसलिए इसको डाइल्यूट करने के लिए इसके अंदर चेंजेस भारत सरकार उसको सोच रही है, और क्या चेंजेस किन क्लॉजेस में करे हैं, करे जाएंगे, इसके बारे में भी उस नेशनल डेली के अंदर फ्रंट पेज पे वो स्टोरी आई। इससे पहले भी फ्रंट पेज पे जिन लोगों के बाईलाइन से वो स्टोरी आई है, हम सब लोग जानते हैं, मैं यहां पे से नाम नहीं लेना चाहता, उनकी स्टोरी ऑलमोस्ट हॉर्सेज माउथ से होती है, और वो स्टोरी सरकार के बनिस्पत जो लोग सरकार में जो लोग बैठे हैं उनके उनके तरफ से जो स्टोरीज आती हैं वो अभी तक के 100% वो स्टोरीज सही रहती। तो आज हम लोग भारत सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि वो पार्टी जो कि जिसने कई दिन तक पार्लियामेंट नहीं चलने दिया, उस पार्टी का क्या कहना है सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 में, क्या वो कुछ परिवर्तन करने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, आज देश और कांग्रेस पार्टी आपसे ये जानना चाहता है। दूसरा यू टर्न के ऊपर सीधा सीधा हमारा प्रश्न से ये है। तीसरा एक बहुत अजीब सा यू टर्न है और बड़ा हैरानी वाला यू टर्न है। मोदी साहब ने कल गुवाहाटी के अंदर ये कहा कि बांग्लादेश के साथ में हम लोग लैंड स्वैपिंग डील हम कर रहे हैं, यानी कि कुछ जमीन हम लेंगे और कुछ जमीन हम देंगे, इसकी हम डील बांग्लादेश के साथ में करेंगे और इससे बांग्लादेश का इन्फ्लक्स रुकेगा। हैरानी की बात इसलिए है कि जिस वक्त यूपीए के कांग्रेस के शासन में जब हम लोग इस बात को कर रहे थे तो यही भारतीय जनता पार्टी इसने ये कहा था कि ये देशद्रोह की तरफ बढ़ने वाला कदम है। अरुण जेटली जी ने 5 दिसंबर 2013 को एक कड़ा पत्र केंद्र सरकार को लिख करके पूरे के पूरे लीगली उसको एग्जामिन करके कहा था कि क्यों ये नहीं हो सकता। आज हम इनसे जानना चाहते हैं, जेटली साहब जब आप अपोजिशन में थे तब आपकी लीगल सेंस और लीगल नॉलेज आपको कुछ और करने के लिए कहती थी, आज आपकी लीगल सेंस और लीगल नॉलेज कुछ और करने के लिए कह रही है, यह परिवर्तन ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी में क्यों हो रहा है? या तो आप खुद परिवर्तित हो गए हैं या प्रधानमंत्री जी आपका कहना मानना बंद कर गए हैं, दोनों में से एक चीज है। और भारतीय जनता पार्टी ने रेजोल्यूशन पास करके नेशनल अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंदर इस बात को, कांग्रेस की इस बात को उस वक्त की यूपीए सरकार को क्रिटिसाइज किया था कि ये नहीं करना चाहिए। तो आज हम इनसे पूछना चाहते हैं कि ऑपोजिशन में रह करके भारतीय जनता पार्टी का केवल यही कर्तव्य था कि वो हर बात को, चाहे वो बात जायज भी हो, चाहे उस बात को समझते भी हो कि ये इससे देश का भला होने वाला है, जिस बांग्लादेश से लोग भारत में आते हैं उस बात को का राजनीतिकरण पूरे के पूरे देश में घूम घूम करके आज आप कर रहे हैं। उस वक्त जब कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कहा था कि जमीन अदला बदली होगी तो हम लोग बाउंड्री के ऊपर हम लोगों के आपस में डिस्प्यूट खत्म होंगे और हम लोग इन्फ्लक्स बांग्लादेश से रोक पाएंगे, जब आप उस चीज का विरोध कर रहे थे, इसका मतलब आप बांग्लादेश से हिंदुस्तान में आने वाले लोगों को रोकना आपका मकसद नहीं था बल्कि इसका राजनीतिकरण करना आपका मकसद था। आज कांग्रेस पार्टी अरुण जेटली जी, नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती, 6 महीने के अंदर अंदर ही आपके अंदर इतना परिवर्तन हो गया कि इतने महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर जो आपका पहले जो स्टैंड था उसका ठीक विपरीत स्टैंड आज आप ले रहे हैं। तो जनता आपसे केवल ये जानना चाहती है, देश केवल ये जानना चाहता है, कांग्रेस पार्टी आपसे पूछती है कि आप लोगों का केवल मकसद ऑपोजिशन में रहने का यह था कि सरकार को क्रिटिसाइज करें और हम सत्ता में आए, सत्ता के मोह ने आपको इतना अंधा बना दिया कि आपने सरकार की हर चीज को, अच्छी या बुरी चीज को, उसी तरीके से आप क्रिटिसाइज करते रहे। आज कांग्रेस पार्टी आपसे ये जानना चाहती है, हम लोग अगर
ये बुकलेट जो आप लोगों के सामने है इसको देखें तो 22 पॉइंट्स इन बुकलेट के अंदर, 23 में इंट्रोडक्शन मिला के, इंट्रोडक्शन अगर मिलाए तो 23 है, नहीं तो 22 है, तीन नए हो गए, तो 25 यूटर्न 180 दिन के अंदर लगभग 7-8 के बीच का इसके अंदर एवरेज है, 7-8 दिन में एक यूटर्न का, हर हफ्ते एक यूटर्न। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, नरेंद्र मोदी साहब की देश को यह देन थी। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 1998 से 2004 की भारतीय जनता पार्टी की एनडीए के शासन को अगर डिस्क्राइब करा जाए तो उस वक्त उसको डिस्क्राइब हम कर सकते थे रोल बैक सरकार, याद होगा आपको, हर चीज में रोल बैक हो जाता था। तो ये सरकार को अगर याद रखा जाएगा तो ये सरकार को यू टर्न सरकार की तरह से ही याद रखा जा सकता है। जितने यू टर्न इन्होंने 6 महीने के अंदर ले लिए उससे साबित होता है कि किस प्रकार से ऑपोजिशन में रहकर के इन्होंने कार्य किया केवल सत्ता के लालच में, और अब किस प्रकार से यू टर्न लेते जा रहे हैं एक के बाद। सबसे पहला पॉइंट हम लोगों का ब्लैक मनी का है, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी हम लोग कर रहे हैं, और ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी लेकर जाने की। ब्लैक मनी के ऊपर 17 अप्रैल 2014 को राजनाथ सिंह जी ने कहा कि ब्लैक मनी 100 दिन के अंदर अंदर पार्टी वापस देश के अंदर ले आएगी अगर हम सत्ता में आएंगे, और राजनाथ सिंह जी उस वक्त, अभी भी बहुत बड़े आदमी हैं लेकिन उस वक्त भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो नेशनल पार्टी जो ऑपोजिशन, मेन ऑपोजिशन पार्टी है जो अब सत्ता में आए हैं, उसके अध्यक्ष 17 अप्रैल को ये बोल रहे थे कि हम आएंगे तो हम 100 दिन के अंदर अंदर कालाधन वापस लेकर के आएंगे। हैरानी की बात यह है कि वेंकैया नायडू साहब ने अभी 27 तारीख को पार्लियामेंट में बोलते हुए ये कहा कि हमने तो कभी वायदा नहीं किया। वेंकैया नायडू साहब, आप भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, कम से कम आपको अपने एक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो सम्मान करना चाहिए जो आपकी सरकार के अंदर होम मिनिस्टर हैं। आप कहीं ऐसा तो नहीं सोचते कि देश की जनता की मेमोरी इतनी शॉर्ट है कि वो इन सब चीजों को भूल जाएंगे। हैरानी की बात यह है कि वही नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने कई जगहों के ऊपर, और हमने इस बुकलेट में YouTube का URL भी डाला है जहां पर उन्होंने अलग अलग सभाओं में बोल रहे हैं कि किस प्रकार से 15 से 20 लाख रुपया हर एक व्यक्ति के अकाउंट में आएगा, उसका हमने URL भी, YouTube का URL भी इस बुकलेट के अंदर डाला है। मजे की बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने खुद ने यह कहा है यहां पर, मन की बात का URL हमने नहीं डाला क्योंकि मन की बात तो पिछली वाली सबने सुनी है। मन की बात के अंदर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि देश के अंदर, देश के बाहर कितना काला धन है। तो जब मोदी जी, आपको अब नहीं पता, आपने मन से बात कही है, तो जब आपने पिछली बार कहा था तो आपने क्या मन से नहीं बात कही थी? आपने दिमाग से बात करी थी, और अगर दिमाग से बात करी थी तो आपके दिमाग में केवल सत्ता कैसे हत्याई जाएगी यही आपके दिमाग में था। नितिन गडकरी जी ने 18 जनवरी 2011 में कहा कि 21,00,000 करोड़ स्विस बैंक में, तो नितिन गडकरी साहब आप उस वक्त भाजपा के अध्यक्ष थे, आपको कहां से पता चला कि 21,00,000 करोड़ भारत के बाहर हैं, और जो आपके अब के प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं उन्हें पता नहीं? तो ये कैसे हो गया कि ऑपोजिशन में रहते हुए तो आपको एक एक फिगर्स याद थी, और अब जब सत्ता में आए हैं तो आप सारे फिगर्स भूलना शुरू हो गए? तो मैं केवल, और कांग्रेस पार्टी केवल इतना कहना चाहती है कि पुराने किए गए वायदे ना भूलें, पुराने दिए गए फिगर्स ना भूलें, ऐसा ना हो कि देश की जनता ही आपको भुला दे। आज भारतीय जनता पार्टी को हम ये कहना चाहते हैं। रविशंकर प्रसाद जी का तो सबसे विचित्र आलम रहा, 18 जनवरी 2011 को रविशंकर प्रसाद जी ने कहा, द गवर्नमेंट्स आर्ग्यूमेंट दैट इट कैन रिवील द नेम्स टू द सुप्रीम कोर्ट
but not to the public due to double taxation is baseless. Ravi Shankar Prasad बहुत काबिल वकील हैं और जब वो कानून की व्याख्या उन्होंने करी एक काबिल वकील होने के नाते तो उन्होंने कहा कि सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट की वजह से हम नहीं बता सकते नाम यह बेसलेस है. ठीक है मान लिया लेकिन 17 अक्टूबर 2014 को एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश होता है और 17 अक्टूबर 2014 को जब एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में पेश होता है तो वो एफिडेविट जब पेश होगा तो लॉ मिनिस्टर उस वक्त रविशंकर प्रसाद थे उनकी आंख से गुजरा होगा और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा है कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट की वजह से हम नाम नहीं बता सकते. तो रविशंकर प्रसाद जी आप इतने काबिल वकील हैं आपके लॉ की परिभाषा जब आप अपोजिशन में होते हैं तो कुछ और होती है जब आप लॉ मिनिस्टर होते हैं तो कुछ और होती है. आज कांग्रेस पार्टी और देश की जनता आपसे यह जानना चाहती है. फिर उसके बाद में अरुण जेटली जी ने बार बार बहुत फ्लिप फ्लॉप्स इसमें करे. पहले तो एफिडेविट दिया कि हम नाम नहीं देंगे फिर उसके बाद में एक मीडिया से इंटरव्यू एक के बाद एक देना शुरू हो गए. जब हमने बात उठाई कि एफिडेविट ऐसा कैसे आ गया राम जेठमलानी जी ने बात उठाई फिर एक के बाद एक इंटरव्यू देने शुरू हो गए और इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं नाम हम बताएंगे लेकिन उस नाम से कांग्रेस को एम्बेरसमेंट होगा. तीन ऐसे नाम वो नाम भी आ गए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें दो तीन नहीं हमारे को सारे के सारे नाम चाहिए. हमने कहा कि अर्ध सत्य बताने की जरूरत नहीं है पूर्ण सत्य सारा का सारा सत्य जनता के सामने रखे यही कांग्रेस पार्टी की मांग. सच्चाई ये है कि तो आपको बता दें 6 महीने पार यू टर्न सरकार इस नाम के बुकलेट भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिलीज की अनवील की. अजय माकन ने जबरदस्त तरीके से हमले मोदी सरकार पर करते हुए नजर आ रहे हैं. अजय माकन हमारे साथ जीबीएल नरसिम्हा बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं. नरसिम्हा साहब क्या कहेंगे सीधे सीधे तमाम बातें गिना रहे हैं अजय माकन और बाकायदा एक किताब भी बुकलेट अनवील की है जिसका नाम है 6 महीने पार यू टर्न सरकार. अब देखिए कांग्रेस पार्टी को लगता है उनके पास कोई काम नहीं बच गया है तो एक राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं. लेकिन आपको गवर्नेंस में राजनीति में जनता जो है वही जनता जनार्दनी फाइनल फैसला करती है. जनता ने जो फैसला कांग्रेस के खिलाफ किया है वही फैसला दोहरा रही है विधानसभा चुनावों में. तो कांग्रेस पार्टी को एक आत्म चिंतन करना चाहिए उसके बजाय वो आत्मवंचन करके दूसरे पार्टियों पर किस प्रकार की कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं वो उसमें बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे. ये अभी नहीं है ये गुजरात के कार्यकाल से यही कहते आ रहे हैं. गुजरात में भी जो काम हुआ है उस समय भी लगातार गुजरात को नीचे मोदी जी को नीचे दिखाने के लिए वो बार बार गुजरात को नीचे दिखाने की कोशिश किए थे. जनता ने उनकी कोशिशों पर पानी फेर दिया था पिछली बार जनता ने बिल्कुल उनको नकार दिया था. मैं समझता हूँ आज जो कर रहे हैं इससे भी कोई जनता पर किसी प्रकार के असर नहीं होने वाली है. तमाम उदाहरण नरसिम्हा साहब वो दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश वाली बात जो कल प्रधानमंत्री ने कही जमीन की डील की बात यानी अदला बदली की बात उन्होंने कहा कि वो तो जब उनकी सरकार थी तब आपकी पार्टी यानी बीजेपी विरोध करती थी उसका. अब देखिए यदि उस समय विरोध हुआ आपने फिर अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था आपने पूरी जानकारी नहीं रखी थी पब्लिक में. मैं समझता हूँ ये आपकी फेल्यूर होगी कांग्रेस पार्टी की फेल्यूर है. कल देखिए कल प्रधानमंत्री मोदी जी वहां रैली को संबोधन करते हुए वो जनता को सीधा संपर्क में लेने के लिए जनता से इसी यही डेमोक्रेसी में सरकार को दूसरे पार्टियों के साथ जनता के साथ एक संवाद बना के रखना चाहिए. और इससे यही स्पष्ट होता है कांग्रेस पार्टी इसमें पूरी तरह फेल हो चुकी है क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री जी ने एक आम सभा में कल जनता को संबोधन करते हुए असम में ये बात जानकारी रखी है. कोई ये ऐसे जो फैसले होते हैं वो सभी के साथ राजनीतिक दलों के साथ जनता के साथ संपर्क करके करना चाहिए. प्रधानमंत्री जी मैं समझता हूँ अभी बिल्कुल देश हित में जो है वो कर रहे हैं. उन्होंने जनता को यही आश्वासन दिया था यदि उस समय बीजेपी ने अपोज किया था और आपने उसके लिए सही जानकारी नहीं दे पाए सही आपने कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाए तो मैं समझता हूँ ये आपकी फेल्यूर है. ये भारतीय जनता पार्टी से दोष देने के बजाय क्योंकि कांग्रेस पार्टी खुद बार बार यही बात मानती है
क्योंकि हम कम्युनिकेशन में फेल रहे हैं। बाकायदा नरसिम्हा साहब होमवर्क करके वो आए हैं, 22 यू टर्न्स का तो जिक्र इस किताब में है जो बुकलेट उन्होंने निकाली है जिसको अनवील किया, 3 का उन्होंने उदाहरण और दिया, यानी 25 यू टर्न 180 दिनों में। और उन्होंने एक एक करके, अगर मैं उनकी बात उनका जिक्र करूं, उन्होंने कहा कि नेताजी पर राजनाथ सिंह जो हैं वो अपना वादा भूले, उनकी मौत का रहस्य क्यों नहीं खुला इस पर सफाई मांगी है, साथ ही साथ परमाणु करार पर जो है सरकार ने यू टर्न लिया, यानी तमाम एग्जाम्पल्स वो देते जा रहे हैं एक एक करके। आप देखिए उनके पास मैं समझता हूँ अच्छी ये ही काम बहुत अच्छा करते हैं, ये रिसर्च काम करते हैं, उनके लिए उस काम के लिए बधाई। बट लेकिन मैं समझता हूँ यदि हम हमारे ऊपर ऐसा 25 आरोप कर रहे हैं, हम यदि हमने भी एक उनके खिलाफ एक आरोप पत्र जाहिर किया था लोकसभा चुनावों के पहले, उसमें सैकड़ों ऐसे आरोप हमने लगाए जो खुद ही उस सरकार ने कहते हुए ये 100 दिन में हम महंगाई कम करेंगे, उन्होंने वादा किया था 2009 के चुनावों में, उन्होंने कहा था 2009 के चुनावों में हम 100 दिन के अंदर काले धन पर कार्रवाई करेंगे, नामों को पब्लिक करेंगे। आप देखिए जनता इस तरह के आंकलन में ये बचपना कर रहे हैं, मेरे विचार से जनता जो है सरकार की ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखती है, सरकार की क्या विश्वसनीयता है उस पर गौर करती है। इस तरह का बयानबाजी करके एक छोटा कोई पत्र निकाल के इस तरह का यू टर्न साबित करने में हो सकता है वो थोड़ा सा दो चार एडिटोरियल छाप सकते हैं इससे, बट लेकिन जनता का जो मूल विषय है, मूल इश्यूज है, आपकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। नहीं, पर जनता से जुड़े विषय की भी उन्होंने बात की, उन्होंने बाकायदा कोट किया वो डेट को बताया उन्होंने कि 17 अप्रैल को राजनाथ सिंह साहब ने ये कहा था कि ब्लैक मनी जो है 100 दिन में वापस आएगा। उसके बाद उन्होंने 21,00,000 करोड़ बाहर हैं विदेशी बैंकों में, जो बात नितिन गडकरी ने की थी बाकायदा उसका भी डेट का हवाला दिया, रविशंकर प्रसाद साहब ने क्या कहा था उसकी भी डेट का बाकायदा हवाला दिया, उन्होंने कहा कि कहां गए ये वादे, और 100 दिन में वापस लाएंगे ब्लैक मनी। इस बात को सिर्फ वही नहीं, तमाम कांग्रेस नेता भी दोहराते आए हैं। नहीं नहीं, ये हमने पहले भी स्पष्ट किया है, ऐसा कोई नेता नहीं है जो समझते हैं। राजनाथ सिंह जी खुद एक एक्सपीरियंस्ड एक एडमिनिस्ट्रेटर है, वो सीएम के काम किए हुए हैं, तो 100 दिन में उनका उनका उद्देश्य यही था कि 100 दिन में हम इस पर कार्रवाई शुरू करेंगे, 100 दिन के अंदर क्या विश्व के सारे कोनों से पैसा लेके आएंगे ऐसा कोई कह नहीं सकते हैं, उनका उद्देश्य भी ये नहीं था। ये जिन्होंने अभी 3 दिन पहले पार्लियामेंट में भी कहा है, तो ऐसे गलतियां निकालना शुरू करें। नरसिम्हा साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, कल डीजी कॉन्फ्रेंस जो प्रधानमंत्री ने कही, हमारे साथ कुछ कांग्रेस नेता थे, उन्होंने तारीफ की प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा, लेकिन अब जो आरोप लग रहे हैं मोदी सरकार पर वो ये लग रहे हैं कि 6 महीने यानी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, अच्छी अच्छी बातें जो है उनको करने की बात हो रही है, अब इंप्लीमेंटेशन का वक्त है। जनता ये जानना चाहती कि अब कामों को अंजाम तक कब पहुंचा जाएगा, सिरे तक कब पहुंचाया जाएगा। आप देखिए सारे काम को अंजाम दे रहे हैं, अब क्या बात करें, जनता सिर्फ सरकार की बातों से खुद संतुष्ट है, जब 6 महीने सरकार को जनता ने देखा है, जनता को बार बार समर्थन दे रहे हैं, हर एक राज्य में हमें समर्थन दे रहे हैं, उसके पहले उसके पीछे मुख्य उद्देश्य यही है, जनता सरकार के कामकाज से संतुष्ट है। जिस प्रकार महंगाई घटी है पिछले 6 महीनों में, आप सड़क पर किसी भी आम जनता से पूछिए, जिस प्रकार ओवरऑल महंगाई का दर में बहुत कम हुआ, अभी 5% के करीब है इन्फ्लेशन रेट, जबकि कांग्रेस के कार्यकाल में 10 से 11% तक हुआ करता था। चलिए जीवीएल नरसिम्हा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया IBN 7 से बात करने के लिए आपका, बहुत बहुत